नवगठित नगर पंचायत हयाघाट के साथ साथ बिलासपुर गांव की दशा बहुत ही दयनीय हो चुकी है। यह गांव नवगठित नगर पंचायत हयाघाट होने के बाद यतीम हो चुका है। इस नगर पंचायत हयाघाट का सारा सिस्टम फेल हो चुका है, सारा विकास का काम सस्पेंड है। बाढ़ ग्रस्त होने के बाद भी अभी तक किसी भी तरह की कोई सुविधा व राहत नहीं मिली है, जबकि सुलेस गेट से गांव में पानी भर चुका है। हर घर, हर रास्ते, हर गली पर पानी है। गांव से पानी निकासी की कोई समुचित व्यवस्था अब तक नहीं है, जबकि 13 अगस्त 1987 के पहले बाढ़ व गंदे नाले का पानी निकासी के लिए बिलासपुर गांव में पुल था। हमने दिनांक 24/6/2021 को एक पत्र जिला मुख्यालय व नगर निगम के अलावा रेल मंत्री को भी दिया है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। यह पंचायत जिला मुख्यालय दरभंगा हयाघाट प्रखंड व दरभंगा नगर निगम के त्रिकोणीय में फंसा हुआ है। कहीं से भी कोई सुविधा की उम्मीद दिखाई नहीं देती है। कांग्रेस नेता मोहम्मद साजिद हुसैन ने नीतीश कुमार से निवेदन किया है कि नवगठित नगर पंचायत हयाघाट सहित बिलासपुर गांव पर विशेष कृपा की तो सुलेस गेट पानी खोल दिया या लीकेज है क्या? अच्छा, तो ये वार्ड नंबर कितना है? ये 12, 13, 11 का तीनों का हिस्सा मिला हुआ इसमें। अच्छा, तो कोई नेता आया अभी तक? नहीं। अच्छा, गांव का कोई नेता? नहीं तो क्या कहते हैं वो लोग? वो लोग कहते हैं ये आप जो है सो नगर निगम हो गया है, इस पर कोई नहीं, नगर निगम तो अभी जो नगर निगम के द्वारा जो एक पंप आया वो कौन लाया? वो साजिद हुसैन लाया था। तो उस पर पानी निकल रहा? वो कहाँ है उसका कोई पते नहीं। अच्छा, कहने का मतलब है कि ये जो सरकार दे रही है 6,000 का अनुदान पानी में रहने वाले को, तो ये पानी कौन पानी है? बरसात का है कि बाढ़ का है या फिर सरसुआ का पानी है? किस तरह पानी गांव में लग जाता है? बाढ़ का है ये, सरसुआ वाला पानी जो धार वाला आ रही है। अच्छा, यही पानी। तो आप लोग जो है मतलब इसके लिए मतलब आंदोलन किया? आंदोलन किया, लेकिन सरकार इस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।